सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने हिंदी 9 कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत रस खान जी द्वारा रचित सवैयों को पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने रस खान जी द्वारा रचित पहले और दूसरे दो सवैयों का अध्ययन किया था, मानुष हो तो वही रस खानी, दूसरा याला कुटिया रे कामरिया। आज हम इसी क्रम में आगे चलते हुए सवैये नंबर 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब रस खान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और अपने काव्य के माध्यम से गोपियों के भाव को उजागर कर रहे हैं। यहाँ इसमें तीसरे पहरे में बताया है, तीसरे सवैये में बताया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। अब यहाँ पर एक सखी, एक गोपी दूसरी की अपनी गोपी से कह रही है, दूसरी अपनी सखी से कह रही है कि मैं जब भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करूंगी तो जो मोर का पंख है उसको अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी, अपने सिर के ऊपर लगाऊंगी। गुंज की माल गरे, गरे का अर्थ रहा गले, जो गुंज की माल है उसको गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, पीतंबर अर्थात पीले वस्त्र ओढ़कर, लकुटी लकड़ी लेकर बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। मैं गायों गोधन गाय गायों ग्वारनी गाय चला चराने वाले। तो यहाँ पर बताया है गोपी ने कि मैं पीताम्बर ओढ़कर लकड़ी लेकर गाय के साथ और ग्वालों के साथ, गायों के साथ और ग्वालों के साथ घूमती रहूंगी, फिरती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। अब यहाँ पर इसमें तीसरी पंक्ति में बताया है, तीसरी लाइन में यहाँ पर बताया है कि भाव तो वही मेरो रस खानी, कि मेरा भाव तो वही है, रस खान जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो तेरे कहे। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं तेरे कहे सब स्वांग करने के लिए तैयार हूं, जो भगवान श्री कृष्ण जी धारण करते थे। लेकिन जिस मुरली को वो अधरान अपने होठों पर धारण करते थे, उस मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी। इसका तात्पर्य है कि जो मुरली गोपियों से श्री कृष्ण को अलग करने का काम करती थी, मतलब जिसके मुरली के बजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों से अलग हो जाते थे, उस मुरली को गोपी धारण करने के लिए तैयार नहीं है, सखी धारण करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात करते हैं चौथे सवैये की। अब इसमें बताया है कानी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। अब यहाँ पर बताया है कि जो मुरली बजने के कारण या जिस मुरली को बजाने के कारण श्री कृष्ण जी गोपियों से अलग हो जाते थे, तो यहाँ अब बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण उस मुरली को बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे। जब उस मुरली की धुन बजती रहेगी तो हम उनकी तरफ, श्री कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं देंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, और चाहे उस मुरली से कितनी ही मोहनी, मन को मोहने वाली तान निकलती रहे, धुन निकलती रहे, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। और अटारी पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण गोधन के गीत चाहे गाते रहें, चाहे कितने ही गीत गाते रहें, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काली कहो कितनो समुझे हे, मायरी
वामुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जयहे न जयहे। अब इसमें यहाँ पर बताया है कि दूसरी पंक्ति में मैंने तो बता दिया, मैंने बताया था कि गोधन के गीत चाहे भगवान श्री कृष्ण कितने गाएं, चाहे कितने ही मधुर मुरली बजाएं, लेकिन उनकी तरफ हमारा जो ध्यान है वो नहीं रहेगा, हम उनके सुनने वाले नहीं हैं, गोपियाँ कह रही हैं। अब यहाँ कहा है टेरी कहो, तो यहाँ पर इसमें बताया टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे है, चाहे ब्रज के लोग मुझे कितना भी समझाने का प्रयास करे। मायरी, अब यहाँ माँ को संबोधित करते हुए कहा, उस मुख की मुस्कान अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो संहारी नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। कहने का तात्पर्य है कि ब्रज के लोगों से गोपी पुकार करके कह रही है कि आप चाहे मुझे कितने भी समझाने का प्रयास करें, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है उसकी जो मुस्कान है वो नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। कहने का भाव कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी मधुर ध्वनि और गोधन की मोहिनी तान इतनी प्रभावशाली नहीं है। मतलब गोपी कह रही हैं कि हम उसको भी सुन लेंगे या उससे बच जाएंगे कानों में उंगली डालकर, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के मुख को हम देखते हैं, देखती हैं, तो उस मुख को देखने के बाद आकर्षण इतना हो जाता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ खींचे चले जाते हैं। छात्रों, आज हमने रसखान जी द्वारा रचित दो सवैयों को पढ़ा। आज इन दोनों सवैयों को पढ़ने के बाद आज जो हमारा सवैयों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।